है। देखो बच्चों, देखो हमारे पास, हमने क्या कहा, हम आज जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं दैट कॉन्सेप्ट इज चेंज ऑफ स्टेट। यहां पे वर्ड यूज हुआ स्टेट। हमारी नेचर में थ्री स्टेट्स एग्जिस्ट करती है मेनली, वैसे तो फोर स्टेट की बात आती है, वो बात आती है यूनिवर्स में, पूरी यूनिवर्स के लिए, ठीक है। तो हमारी नेचर में थ्री स्टेट्स हैं, वो थ्री स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों की तीनों स्टेट्स को हम डिफाइन करते हैं इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, ठीक है। इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर, रेड कलर से दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा हाँ जी, इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम तीनों के तीनों स्टेट को डिफाइन करते हैं। बच्चा देखो, आप सॉलिड के केस में क्या बोलते हो, सॉलिड के केस में बोलते हो कि इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से हैं कि पार्टिकल्स के बीच सेपरेशन क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, वो स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लिक्विड्स में इंटर एटॉमिक या इंटर मोलिकुलर फोर्सेस इस तरह से होती है कि वो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और गैसेस में किस तरह से होती है, गैसेस में नेग्लिजिबल होती है, ना के समान इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्सेस वर्क करती है। बच्चा अब देखो बेटा, हमने स्टेट को किसके लिए चेंज करना है, मैं आइस ले रहा हूं, बर्फ ले रहा हूं, और उस बर्फ का टेम्परेचर मैं लगातार चेंज करता जाऊंगा। ये देखिए, ये मेरे पास आइस बॉक्स है, ये है मेरा एक आइस बॉक्स, ठीक है। इसमें मैंने कुछ, मतलब हमने क्या रखी, इसके अंदर आइस रखी और इस आइस को एक स्टैंड पे रख दिया। ये देखो, मैंने एक स्टैंड बनाया अभी आपके सामने, ये देखो बच्चा बाटी, ये हमने एक स्टैंड बनाया और यहाँ पे हमने एक रख दिया बर्नर, ठीक है। आप जब केमिस्ट्री की लैब में जाते हो तो वहां बर्नर रखे होते हैं, आपने भी देखे होंगे। ये हमने मान लीजिए रख दिया एक बर्नर, ठीक है। अब हमने क्या किया है, देखो बच्चों, अब हमने इसको हीट सप्लाई करना शुरू कर दिया यहां से, जैसे कि मान लो ये हीट सप्लाई करना हमने शुरू कर दिया ऐसे, ठीक है ना बच्चा पार्टी। ये देखो, ये ऊपर एक बिकर रखा है, बिकर में कुछ एक आइस के टुकड़े रखे हैं, ठीक है। उनका इनिशियल टेम्परेचर हमने थर्मोमीटर की हेल्प से नोट कर लिया, और जैसे जैसे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर क्या करते जाते हैं, नोट करते जाते हैं, और देखते जाते हैं कि क्या किस तरह के चेंजेस हम ऑब्जर्व कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं यहाँ पे, ये देखो आइस क्यूब्स है, ये देखो कितने अच्छे अच्छे टुकड़े हैं, देखो बच्चा कितने प्यारे प्यारे टुकड़े हैं, बहुत ही अच्छे। आपका भी देख के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको, ये बर्फ के टुकड़े, ठीक है। ये देखो भाई, ये देखो, है ना, ये देखो बेटा, हमने इसमें आइस के कुछ एक टुकड़े रखे हैं और इनको हीट सप्लाई करी है बेटा। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से चेंज होता है। तो इसको हम, जो चेंज है इनके टेम्परेचर में, ठीक है, वो हम टाइम के विद रिस्पेक्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको। तो ग्राफ हमने बनाया टाइम और टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये मैं ग्राफ लेके आया हूँ, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये मेरे पास एक ग्राफ है जो टेम्परेचर और टाइम के बीच डील कर रहा है, ठीक है। ये देखिए बच्चा लोग, हमने इस तरह से, दिस इज टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और टाइम हम ले रहे हैं मिनट्स में, टाइम हम ले रहे हैं मिनट्स में, ठीक है। ये आपने ले लिया टाइम के लिए एक्सिस। देखो बच्चा, ये आपका ओरिजिन है, आपने जब हीट सप्लाई करना शुरू किया तो क्या सप्लाई करते ही क्या हुआ, इसने मेल्ट करना शुरू कर दिया, इसने अपनी स्टेट को चेंज करनी शुरू कर दी, या टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया? आंसर इज नो, ठीक है। यानी कि आप ओ से लेकर ए तक, यहां तक, यहां तक आपने क्या किया, हीट सप्लाई करी, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। आप देखो बच्चा कि ओ से लेकर, मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया है बेटा, एंड दैट पॉइंट आई हैव कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू ए,
ए पॉइंट तक मैंने हीट सप्लाई करी लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हीट सप्लाई थी करी थी आपने, वो क्या कर रही थी, वो इसकी स्टेट को चेंज कर रही थी। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर क्लियर कि जब तक ऑब्जेक्ट की स्टेट पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता। आप इनिशियली थर्मोमीटर लगाओ और चेक करो कि इसका टेम्परेचर कितना है। आपने कहा सर 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब आप इसको हीट सप्लाई करना शुरू करो, हीट सप्लाई करोगे करोगे लगातार हीट सप्लाई करते जाओगे, इसका टेम्परेचर 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है ना। जब तक ये कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे वो प्रोसेस चल रही है जिसमें सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ वो प्रोसेस चल रही है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है। आपको भी पता है कि स्टार्टिंग जो करोगे आप, जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करोगे वैसे वैसे ये आइस क्यूब्स जो हैं वो मेल्ट होते जाएंगे, यानी सॉलिड से लिक्विड और सॉलिड से लिक्विड बनने को आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग बोलते हो, ठीक है ना बच्चा। इसको आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग बोलते हो। और लिक्विड से अगर सॉलिड में आ जाए कन्वर्जन तो आप उसको बोलते हो बेटा फ्यूजन, इसका उल्टा फ्यूजन, ठीक है। अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो आप बोलते हो उसको क्या, फ्यूजन। अब देखो बच्चा, अब हमने क्या कहा, हमने ए पे आके हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, ठीक है ना। ए पे आगे ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, अगर मेल्ट हो चुकी है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई होगी। अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई होगी तो अब आप जैसे जैसे हीट सप्लाई करोगे उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब लीनियर चेंज आएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस तरह से, इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से, ठीक है ना। ये ले लीजिए आप ए से लेकर बी तक, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो हमने ए ही माना है, ठीक है। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये, और ये हमने माना है बी। ए और बी के बीच एक लीनियर लाइन मैंने ड्रॉ करी है, देखो ध्यान से। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो इसका टेम्परेचर कब तक बढ़ता जाएगा, आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर होता है इसका, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसपे दो स्टेट को एग्जिस्ट करती है, एक तो सॉलिड और दूसरी लिक्विड। आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट वो बोलते हो वो पॉइंट जिसके बाद मेल्ट होना शुरू हो जाए, वो पॉइंट जिससे पहले ये क्या हो, सॉलिड हो। मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिसपे दो स्टेट को एग्जिस्ट कर जाए, को एग्जिस्ट का मतलब इससे पहले सॉलिड इसके बाद लिक्विड। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। अब आपने क्या कहा बेटा कि अभी ये कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी हैं, है ना, ये जो आइस पीस हैं ये कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब आपको पता है कि लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, नेक्स्ट स्टेट में इसके वेपर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे वेपर। जब तक कि पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, तब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। मतलब अब आप क्या हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, क्या उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देन आंसर इज नो, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कब तक, जब तक कि उसकी स्टेट चेंज ना हो जाए तब तक, जब तक कि उसकी स्टेट चेंज ना हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब बीसी वो लाइन है जो लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये कहती है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब सी पॉइंट पे आगे हम क्या देखते हैं, सी पॉइंट पे आगे कंप्लीटली क्या हो जाता है, ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है लगभग, ठीक है ना। अब वेपर में कन्वर्ट होने के बाद भाई, जब तक हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती तब तक, जब तक हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती तब तक उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता। अब जैसे ही स्टेट चेंज हुई है वैसे ही उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा,
ठीक है, और टेम्परेचर में चेंज कैसा रहेगा, लीनियर चेंज रहेगा टाइम के विद रिस्पेक्ट, कुछ इस तरह का लीनियर चेंज। लीनियर चेंज मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, ये रहेगा सी से डी के अलोंग। ये कैसा चेंज रहेगा, सी से डी के अलोंग लीनियर चेंज होगा, सी से डी के अलोंग। अब आपको पता है कि ऐसा काम कब होता है, जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जैसे ही, यानी कि मैंने क्या कहा, 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था वो ऐसा था जिसपे सॉलिड और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करती थी, जिसको हमने क्या कहा, मेल्टिंग पॉइंट कहा। मतलब मैं ये बात स्पेशली लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स को एग्जिस्ट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे सारी की सारी आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुई, हम इसको हीट देना कंटिन्यू को रखते हैं, और इसका टेम्परेचर राइज होता है कहां तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने के बाद फिर से स्टडी स्टेट में आ जाता है, और अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, कब तक, जब तक ये पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। मतलब जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना बच्चा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे आने के बाद जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो, वो हीट किस स्टेट को किस स्टेट में चेंज करेगी, वो लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करेगी। अब जितनी भी हीट यूज होगी वो किस में यूज होगी, स्टेट को चेंज करने में, ठीक है। और लिक्विड से वेपर की कन्वर्जन क्या कहलाती है, वेपराइजेशन, है ना, वेपराइजेशन। तो ये है आपके पास लिक्विड टू वेपर स्टेट की कन्वर्जन, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी को पता है ना कि वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, द टेम्परेचर, जैसे आपने मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन किया था वैसे ही आप बॉइलिंग को भी डिफाइन करोगे, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स को एग्जिस्ट, लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स को एग्जिस्ट इज कॉल्ड क्या, बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बीपीटी, बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है किसके लिए, पानी के लिए, ठीक है ना, वॉटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है बच्चा, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट हम इसको बोलते हैं। अब देखो बेटा कि जैसे जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते तो बीपीटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात हमने कहां देखी है, ऐसा कहीं पे हमने देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता हो, इंक्रीज प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे इतने बच्चे बैठे हैं, मेरे को कोई तो बताओ कि ये बात आपने कहां देखी है। अमन अनम्यूट करो बेटा अपने आपको, अमनप्रीत कौर अनम्यूट करो बच्चे अपने आपको। हाँ जी बेटा, आपने ये देखा है कि प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर को अगर ये बात कहीं पे देखी है हमने डेली लाइफ में हमारी, हाँ जी बेटा, यस और नो,
नो नो। और मैं जैसे एग्जांपल दूंगा, आप सोचोगे कि मैंने ये आंसर क्यों नहीं किया। आप प्रेशर कुकर देखा है घर में? सर यस तो प्रेशर कुकर में क्या होता है? सर प्रेशर कुकर में सीटी लग प्रेशर जाती है। इंक्रीज होता है कि नहीं होता बेटा? हाँ जी सर फिर तो वो सीट प्रेशर वो जो बजती है इंक्रीज होता है वो क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज। इंक्रीज। आ गया ध्यान में? हैं? जी सर हाँ जी हाँ जी, यही एग्जांपल है बेटा इसका, प्रेशर कुकर की। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करोगे तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज हमने डेली लाइफ में हमारे देखी है। कहाँ देखी है? प्रेशर कुकर में देखी है ना। उसके बाद देखो बच्चा, उसके बाद हमने यहाँ पे बातें कर ली। देखो हमने क्या कहा कि ओ से लेकर ए तक उसकी स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ तक हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ए से बी तक लगातार टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ओ से लेकर ए तक उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने मेल्टिंग पॉइंट भी कहा, वाटर के लिए या आप कह सकते हैं आइस के लिए। उसके बाद ए से बी तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि उस सिचुएशन में हमारी जो स्टेट है वो है लिक्विड। अब 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज होता जाता है ए से लेकर बी तक, कितना, कितने तक? 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज होता जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जिसपे दो स्टेट को एग्जिस्ट करती है बेटा। वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज होता है टेम्परेचर, उसके बाद राइज नहीं होता बेटा। उसके बाद जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो हीट किस में यूज होती है? स्टेट को चेंज करने में यूज होती है बेटा, स्टेट को चेंज करने में यूज होती है। यानी कि अब जो हीट सप्लाई कर रहे हो आप, वो टेम्परेचर के साथ कोई छिड़खानी नहीं कर रही, कहां तक? बी से लेकर सी तक। लेकिन बी से लेकर सी तक, सी तक कंप्लीट ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप इंक्रीज करोगे हीट को तो टेम्परेचर भी उसका क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ये बात इस ग्राफ ने हमें बताई है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर भी बन जाते हैं, वेपर भी बन जाते हैं। आप केमिस्ट्री वाले बच्चे हो, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके मेरे को बता सकता है कि कहां देखा है हमने ऐसा, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन, जैसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन इसमें होता है कि सब्लिमेशन। वो डायरेक्टली चेंज सर हो जाता है नेप्थिलीन बॉल्स में भी होता है क्या? नेप्थिलीन बॉल्स। अरे मैं बताऊं आपको बच्चों, देखो सिंपल सी बात, नमक नहीं होता, सॉल्ट, सॉल्ट होता है ना बेटा। होता है। हाँ जी सर होता है मैंने देखा हाँ, है। उसके भी तो बन जाते हैं सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाते हैं उसके। आयोडीन बोलते हैं क्या आप उसको, आयोडीन के? हैं? सभी बच्चे चुप हो सर गए। सोडियम क्लोराइड नहीं होता नमक। हैं? नमक सोडियम क्लोराइड नहीं होता। हाँ सोडियम क्लोराइड ही होता है बेटा। आप आयोडीन बोल रहे हो। आयोडीन पता नहीं, आयोडीन ही नहीं होता क्या उसके अंदर? होता है सर है ना? होता है उसके अंदर होता है। हाँ, एक इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं ना अच्छे अच्छे जिसमें एक आता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक आयोडीन, है ना बच्चों? तो ये इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें सॉलिड से लगा डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाती है वेपर स्टेट में, जिसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब देखो बच्चा, अब तक मैंने आपको वो ग्राफ नहीं कराया जो हीट और टेम्परेचर के बीच है। अब तक आपने ग्राफ किसके बीच में किया है? टेम्परेचर के बीच और टाइम के बीच, ठीक है ना बेटा? अब हम वो ग्राफ सीखेंगे जो हमारा होगा टेम्परेचर और हीट के बीच बेटा। चलो देखते हैं उस ग्राफ को, वो ग्राफ हमें क्या कह रहा है, ठीक है, और उस ग्राफ की बातें भी कैसे हम अप्लाई करेंगे ये भी हमें देखना पड़ेगा भाई फिर, ठीक है। चलो फिर वो सारी की सारी बातें भी हमें पढ़नी है, तो स्टार्ट कर ही देते हैं। देखो अब मैं जो ग्राफ लेने जा रहा हूं ना बच्चा पार्टी, वो ग्राफ टेम्परेचर और किस किस के बीच में है? हीट के बीच में है बेटा, ठीक है। तो कलर यहाँ पे ले लेता हूं मैं वाइट, ये लो जी, ये एक्सेस हम लेंगे, ये पहले भी हमने टेम्परेचर के लिए लिया था, अब भी हम टेम्परेचर के लिए ही लेंगे, और ये एक्सेस पहले हमने टाइम के लिए लिया था और अब हम हीट के लिए लेंगे बेटा, ठीक है। ये हमने जी लिया टेम्परेचर के लिए,
ये देखो टेम्परेचर के लिए, और ये एक्सेस हमने लिया है बच्चा पार्टी हीट के लिए। अब देखो आप किस तरह से हीट सप्लाई कर रहे थे और किस तरह से स्टेट्स चेंज हो रही थी और किस तरह से उनके टेम्परेचर चेंज हो रहे थे, ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे देनी है। देखो बच्चा मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करूंगा टेम्परेचर। मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं बच्चा 100 डिग्री। यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर मान लेता हूँ, यहाँ पे 0 डिग्री मैंने टेम्परेचर मान लिया। देखो बच्चों 0 से नीचे जो फेज है वो सॉलिड फेज है, आपको पता है सभी को, है ना। 0 से नीचे जो है वो सॉलिड है, आपकी जो आइस है वो देखो कितने प्यारे प्यारे टुकड़े हैं, ऐसे ऐसे टुकड़े बने पड़े हैं, आइस क्यूब्स बने पड़े हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई बच्चा हम किस तरह से इन चीजों के साथ डील करेंगे कि 0 से नीचे आपने क्या कहा कि सॉलिड फेज है सर, ठीक है। आप देखो आप सॉलिड और किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन दोगे। आप स्टार्ट करता हूं मैं अपनी बात को, आपका ये आपने मान रखा है 0 डिग्री पे, ठीक है। अब आप 0 डिग्री पे अगर मान लो हीट सप्लाई करना शुरू कर दो, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर हीट सप्लाई करना शुरू कर दो, तो टेम्परेचर उसका 0 से कम था, अब ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। कैसे? ऐसे कुछ इस तरह से, ये देखो भाई बच्चा लोग, ये देखो इस तरह से। देखो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है ना बेटा, जो इंक्लाइंड है, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है कि आप हीट सप्लाई कर रहे हो और टेम्परेचर भी लगातार क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब ये है बेटा, मैंने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करी है उसका मतलब क्या है बेटा? उसका मतलब ये है कि मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पर्टिकुलर किसी स्टेट पे आता हूँ, 0 डिग्री पे आता हूँ, 0 डिग्री पे आने के बाद टेम्परेचर मेरा चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे फेज चेंज वाली बातें चल पड़ती हैं, वहां पे फेज को चेंज करने वाली बातें चल पड़ती हैं। और मैं जैसे ही 0 पे पहुंचा, फेज ने एकदम करवट बदल ली और वो चेंज होना बंद हो गया। ये देखो यहां पे ऐसे, यानी कि यहां पे फेज चेंज होना शुरू हो गया। अब 0 डिग्री को आप क्या बोलते हो? 0 डिग्री को आप बोलते हो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आप किसको बोलते हो? उसको बोलते हो जिस पे 2 स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, एक तो सॉलिड और दूसरी लिक्विड, एक तो सॉलिड और दूसरी लिक्विड, जहां 2 स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे फेज चेंज होगा बच्चा, यानी कि आप लगातार हीट सप्लाई करते जा रहे हैं। इस लाइन को देखो, इस लाइन को अगर ध्यान से देखो तो हीट तो बढ़ती जा रही है लेकिन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट कब तक रहेगा बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट तब तक रहेगा जब तक कि पूरा सॉलिड किसमें कन्वर्ट ना हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है ना। जब तक कि पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक फेज चेंज वाले ड्रामे चलते रहेंगे। अब भाई यहां पे आगे वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो अब लिक्विड फेज जैसे ही आया, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करोगे ना बच्चा, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होने वाले ड्रामे कब तक चलेंगे? जब तक कि उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना हो जाए, ठीक है ना। अब 100 डिग्री पे वो कंप्लीटली लिक्विड में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अब 100 के बाद अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो वो हीट किस में यूज होती है? फेज को चेंज करने में यूज होती है वो हीट, ठीक है। यानी कि 100 पे आगे फिर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। आप हीट सप्लाई कर रहे हो लगातार, टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही हमारा लिक्विड पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो उसका टेम्परेचर भी क्या होता जाता है, लगातार इंक्रीज होता जाता है। मतलब ये वाली जो लाइन है वो किस फेज को रिप्रेजेंट कर रही है? गैसियस फेज को रिप्रेजेंट कर रही है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? गैसियस फेज को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि आपने यहाँ पे लिखा, मेरे को बताया कि सर यहाँ पे ना सॉलिड फेज है स्टार्टिंग में,
ये देखो ये सॉलिड फेज आपने मेरे को बताया। अब आप हीट लगातार सप्लाई करते गए और 0 डिग्री सेल्सियस पे आके इस बर्फ को आपने दोराहे पे खड़ा कर दिया। दोराहे पे कैसे? कि यहां पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये फेज चेंज को इंडिकेट कर रही है। ये कह रही है कि मैं फेज को चेंज करूंगी। फेज कैसा? सॉलिड था, लिक्विड में चेंज करेगी। फेज चेंज, फेज चेंज। अब जैसे ही यहां पे फेज चेंज होगा, फेज चेंज होने के बाद कौन सा स्टेट आएगा? लिक्विड स्टेट आएगा। तो ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये लिक्विड स्टेट को चेंज कर रिप्रेजेंट करती है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। और यहां पे आके फिर से क्या होगा? फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा। ठीक है ना बच्चा? और इस पॉइंट पे आगे ये किस फेज में आ जाएगा? गैसियस फेज में या गैस फेज। ठीक है, गैसियस फेज में, या आप ये स्टीम भी बोल सकते हैं, भाप भी बन जाएगा ये। ठीक है ना? तो ये आपके पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, आप इसको समझ सकते हैं बच्चा कि ए से बी तक क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, आपने हीट भी सप्लाई करी, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। लेकिन बी पे आके आपकी जो हीट है वो सारी की सारी कहाँ यूज होने लगी? फेज चेंज में यूज होने लगी। कब तक यूज हुई? यानी कि सी पॉइंट तक यूज हुई। सी पे आ गई, ये कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका था। अब जैसे ही मैंने हीट इंक्रीज किया, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। कब तक इंक्रीज हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इंक्रीज हुआ। 100 पे आके ये सारी की सारी हीट किस में यूज होना शुरू हो गई? उसके फेज को चेंज करने में। अब फेज क्या चेंज हो सकता था? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता था। यानी कि इस पॉइंट पे आगे, ई पॉइंट पे आके वो कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट हो चुका था। ई पॉइंट के बाद जैसे ही हमने हीट सप्लाई करी, उसका टेम्परेचर भी क्या होता गया? इंक्रीज होता गया। ठीक है ना? तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है हीट और टेम्परेचर के बीच की बेटा। तो सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? सभी बच्चे बता देंगे एक बार प्लीज। हाँ जी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वो है बच्चा पार्टी प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम। प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम। प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर के बीच फेज डायग्राम। वैसे यहाँ पे इस बात का मीनिंग है कि प्रेशर के साथ भी होगा, वॉल्यूम के साथ भी होगा और टेम्परेचर के साथ भी होगा। कहीं ना कहीं हम वॉल्यूम वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ही प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। देखो बच्चा, हमारे पास दो तरह के लिक्विड हैं, एक तो जो एक्सपेंड करते हैं हीट करने से और एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हीट करने से। तो दोनों के लिए हमने अलग अलग कंडीशंस आपके सामने रखी हैं और दोनों को अलग अलग कंडीशंस में हम लेके आएंगे। आपने पीछे स्टेट चेंज होने को टेम्परेचर के साथ पढ़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ के आए हो। ठीक है, आज हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच डायग्राम को। तो वॉल्यूम को मैं कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ बच्चा पढ़ के। ठीक है, हालांकि मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन 3D में, तो मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या ले रहा हूँ? मैं इसके लिए सहारा ले रहा हूँ। सहारा मैं कैसा ले रहा हूँ कि मैं आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ ड्रो करके दिखा दूंगा। ठीक है ना बच्चा? तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ रहेगा, पहला जो मैं ग्राफ लेके आ रहा हूँ वो ग्राफ उसके लिए लेके आ रहा हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, जैसे कि हम बात करते हैं पानी की। ठीक है, तो यहाँ आइस जब कन्वर्ट होती है पानी में, ठीक है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम शुरू करते हैं इसको।
देखिए जी। हाँ जी हाँ जी, ये 10 बजे तक कंटिन्यू रहेगी, बीच में ब्रेक मिल जाएगा बेटा आपको 10-15 मिनट का, ठीक है? 10-10 1 मिनट का ब्रेक दे देंगे बेटा हम आपको, आप टेंशन ना लो, आपको बहुत ज्यादा टाइम तक दुखी नहीं करूंगा मैं, बस ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ, उसी के साथ हम अपनी क्लास को बीच में स्टॉप कर देंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है? देखिए बच्चा, हमारे पास है ये प्रेशर एक्सिस है, इस एक्सिस को, वाई एक्सिस को मैं प्रेशर एक्सिस ले रहा हूं बेटा, और इस एक्सिस को मैं टेम्परेचर एक्सिस ले रहा हूं भाई, ठीक है? टेम्परेचर के लिए मैं ले रहा हूं, ठीक है? मैंने पहला जो केस लिया है वो लिक्विड के लिए लिया है, ठीक है? तो यहां पे हमारे पास, मैं वेपोराइजेशन लाइन की बात करूंगा, फ्यूजन लाइन की बात करूंगा और सब्लिमेशन लाइन की बात करूंगा और मैं ट्रिपल पॉइंट की बात करूंगा। अब क्या है ये चीजें, इनको भी बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये देखो बच्चा, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं तीनों के तीनों, थोड़ा सी ड्राइंग मेरी यहां पे गड़बड़ हो सकती है, देखो भाई हमारे पास 3 लाइंस हैं यहाँ पे, एक ए बी जिसे हम बोलेंगे वेपोराइजेशन लाइन, ठीक है? एक है हमारे पास सी डी जिसे हम बोलेंगे फ्यूजन लाइन, और एक है हमारे पास ई एफ जिसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन लाइन, ई एफ, ठीक है बच्चा? सारा खेल है कैसा मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए यहाँ पे लिक्विड फिल कर रखा है हमने, मतलब ये जो लाइन है ना भाई, ए बी के बाद इधर लिक्विड है, सी डी के ऊपर लिक्विड है, ठीक है? तो इसका मतलब है ये लाइन कहीं ना कहीं फेज चेंज वाली लाइन है, ठीक है ना? उसके बाद हम यहाँ पे, यहाँ ये जो पोर्शन है इस पूरे पोर्शन में, ये जो पोर्शन है इस पूरे पोर्शन में हम सॉलिड फिल करना चाहते हैं भाई, ठीक है? तो हमने ऐसे 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 सॉलिड की प्रेजेंटेशन दे दी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? दिख रही है आपको सभी को, ये मैं सॉलिड के लिए प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, अगर मेरे पास वाटर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आइस है, ठीक है ना? ये हमने आइस के लिए प्रेजेंटेशन दे दी, और यहाँ पे हमने गैस के लिए प्रेजेंटेशन दे दी, गैसियस स्टेट के लिए। ये देखो भाई, गैस के लिए मैं टिक टिक कर रहा हूं, ये देखो जी, ये गैसियस स्टेट के लिए प्रेजेंटेशन मैंने दे दी, ठीक है? तो ये यहाँ पे स्टीम बोल सकते हैं आप, ये आपने कहा कि यहाँ पे तो वोटर है सर, ठीक है ना बेटा? और ये यहाँ पे सॉलिड है यानी कि आइस है, अच्छा ये आपका स्टीम है, स्टीम है। देखो बच्चों, आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो आप इस ग्राफ को अपने आप भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ सकते हो? जैसे कि मैंने ए बी लाइन को देखा तो मैंने कहा कि ए बी लाइन जो है वो वेपर्स वाली लाइन है, तो यहाँ पे लिक्विड से वेपर स्टेट आती है ना, ये देखो ऊपर लिक्विड स्टेट नीचे वेपर स्टेट, तो लिक्विड से वेपर स्टेट आ गई आपके सामने, इसीलिए आपने इसको क्या कहा, ए बी को वेपोराइजेशन लाइन कहा। यानी कि वेपोराइजेशन लाइन कौन सी लाइन है, वो लाइन है जिस पे दो स्टेट क्या कर रही है, को एग्जिस्ट कर रही है, कौन कौन सी, एक लिक्विड दूसरा वेपर, ठीक है ना भाई? अब देखो, अब आपने यहां कहा कि अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज कर देते हैं तो लिक्विड स्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर में। अगर थोड़ा टेम्परेचर को कम कर दें हम तो ऑफ कोर्स ये जो आपका है, ये जो स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ऐसा ही कुछ होना चाहिए यहाँ पे। अब इसी तरह से यहाँ पे आइस वाली लाइन देखो, ठीक है? जिसको हमने सी डी फ्यूजन लाइन कहा है, जिसको फ्यूजन लाइन का क्या मतलब है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉलिड लिक्विड, मतलब मेल्टिंग पॉइंट वाली लाइन है ये, है ना, मेल्टिंग पॉइंट वाली लाइन है। इसी तरह से
ईएफ को ध्यान से देखो, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे गैस, सॉलिड से गैस में सीधा कन्वर्जन, ठीक है ना। ईएफ वाली लाइन यानी कि ये किसकी लाइन है, ये सब्लिमेशन वाली लाइन है। बस इनकी बातें लिखनी है आपको, ये बातें आप समझ ही चुके हैं। सबसे पहले मैं उठा के लेके आ रहा हूं किसको, वेपोराइजेशन लाइन को, ठीक है ना। वेपोराइजेशन लाइन ए बी, एक बात और हमने यहां पे अच्छी नोटिस करी है कि यहां पे तीनों के तीनों जो लाइन है, जो वेपोराइजेशन लाइन ए बी, फ्यूजन लाइन सी डी और सब्लिमेशन लाइन ई एफ, तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मिलती हैं और उस पॉइंट का नाम यहाँ पे क्या है, ट्रिपल पॉइंट है बच्चा, ठीक है ना। उसी पॉइंट पी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट, जहां पे तीन फेज मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के तीनों फेज मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट ये देखो बच्चा, तो हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं वेपोराइजेशन लाइन ए बी के लिए। हम कहते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है, वेपर में कन्वर्जन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कहीं ना कहीं डील करती है। तो हम कहते हैं कि इट स्पेशली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सबस्टेंस विद द प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट को प्रेशर के साथ डील कर रही है, भाई ऊपर तो प्रेशर है ना, ठीक है ना। और ये क्या है, टेम्परेचर, मतलब ये वेरिएशन किस किस में रिप्रेजेंट कर रही है कि बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, विद प्रेशर। यानी कि इस लाइन के अगर मैं ऊपर चला जाऊं, वेपोराइजेशन लाइन ए बी के अगर ऊपर चला जाऊं तो लिक्विड स्टेट है, अगर इसके नीचे आ जाऊं तो फिर क्या है, इधर अगर मैं जाऊं, इधर आप देखो ए बी से मैं अगर इधर जाऊं तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अगर ए बी से मैं इधर आऊं तो टेम्परेचर, भाई ए बी से अगर मैं इधर जाऊं तो टेम्परेचर क्या होगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर मैं ए बी से इधर चल रहा हूं तो टेम्परेचर की डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना भाई बच्चा। इसको देखे ही पता चल रहा है ये सारी की सारी बातें, ठीक है। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑन द वेपराइजेशन लाइन द टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यूज ये कुछ इस तरह से हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट दो स्टेट में कोएग्जिस्ट करता है इस लाइन के ऊपर, वो है लिक्विड और वेपर, वो है लिक्विड और वेपर। मेरी बात आप सभी समझ गए होंगे। इसी वेपोराइजेशन लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टीम लाइन भी बोलते हैं भाई। वेपोराइजेशन लाइन को ही हम स्टीम लाइन बोलते हैं बेटा, स्टीम लाइन, स्टीम लाइन। इसी का नाम क्या है, स्टीम लाइन है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। इसी का नाम स्टीम लाइन है बच्चा पार्टी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूजन लाइन की। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन आपको फ्यूजन लाइन सीडी के लिए देनी है, फ्यूजन लाइन सीडी। देखो भाई सीडी के लिए देखो बड़े ध्यान से, सीडी से अगर हम इधर आए, देखो सीडी से इधर आए और अगर हम इधर जाएं, सीडी से अगर हम इधर आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, और सीडी से उधर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। तो फ्यूजन लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके दो स्टेट को एग्जिस्ट करती है, एक लिक्विड और दूसरा सॉलिड। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगी, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो फिर सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं वैसे, सीडी को आइस लाइन भी बोलते हैं भाई, लिक्विड के लिए आइस लाइन भी हम इसको बोलते होते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट है सब्लिमेशन लाइन, सब्लिमेशन लाइन, सब्लिमेशन लाइन हमारे पास है ई एफ। अब देखो जी ध्यान से ई एफ को, अगर आपने टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज कर दिया तो आपका सॉलिड डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वेपर्स को आपने बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर पर रख दिया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर सॉलिड में कन्वर्जन होगी। कैसा, कहीं देखा है आपने ऐसा कहीं? हाँ जी, हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है ना, उनकी गैस निकालनी हो, अगर हाई प्रेशर से उसकी गैस रिलीज कर दे तो बाहर बर्फ जम जाती है। देखा है, कितने बच्चों ने देखा है,
कि कभी सिलेंडर की हमने गैस निकाली हो एकदम हाई प्रेशर से, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज आप देख लेना, ठीक है, ये ऐसा होता है 100% श्योर है, ठीक है। और सब्लिमेशन लाइन को, ईएफ को हम क्या बोलते हैं, ओवर फ्रॉस्ट लाइन, जब हम लिक्विड यानी कि वाटर के साथ डील कर रहे हैं उस सिचुएशन में, ठीक है, ओवर फ्रॉस्ट लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये था बच्चा आपके पास प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम। और यहाँ पे हमने ट्रिपल पॉइंट की भी बात करी कि तीनों के तीनों जो आपके पास लाइन है या तीनों के तीनों स्टेट है वो को एग्जिस्ट करती है एट ए सिंगल पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। जिसको अभी मैंने डार्क किया है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, जिसको मैं रेड कलर से डार्क करने वाला हूँ। आप ये देखो, ये देखो बच्चा लोग, ये ट्रिपल पॉइंट है जहां पे तीनों के तीनों फेज आपस में मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम। नाउ वी विल टेक रेस्ट फॉर 10